दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद नर्स कैसे बनते हैं, यानी कि नर्स बनने का प्रोसेस क्या होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्स बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है एंड कोर्स कितने साल का होता है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, कौन कौन से स्टूडेंट्स नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिए, इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाते हैं, आप नर्स बन जाते हैं। ये जो कोर्स है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें सेमेस्टर्स की, तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके से 4 साल का कोर्स है, टोटल 8 सेमेस्टर इसमें आपको कंप्लीट करने होते हैं, तब आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं, बट कुछ कॉलेजेस में केवल फीमेल कैंडिडेट्स यानी केवल गर्ल्स को ही एडमिशन मिलता है, बट कुछ कॉलेजेस में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आप उन कॉलेजेस के बारे में पता कर सकते हैं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी जो एज है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। तो मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होना ज़रूरी है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए ज़रूरी है कि 10+2 यानी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके पास हों। इसके अलावा दोस्तों, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल जाता है। तो आप जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। कुछ कॉलेजेस नीट एग्जामिनेशन के आधार पर एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, यानी कि स्टेट लेवल के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम भी कराए जाते हैं। तो आप जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उसके एडमिशन प्रोसेस को चेक कीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें पता कर लेते हैं तब आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। दोस्तों, JNM एंड NM ये जो है नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स हैं, ये बैचलर डिग्री कोर्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डिप्लोमा कोर्स हैं, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं JNM नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों, JNM नर्सिंग एक 3 ईयर्स नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आप एक नर्स बन सकते हैं, एज अ नर्स अपना करियर बना सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। इसके अलावा आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, यानी कि ये जो कोर्स है आपका टोटल 3 ईयर्स + 6 मंथ में कंप्लीट होता है। JNM नर्सिंग कोर्स मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम एज 17 ईयर्स होना ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, यानी कि 12th पास होना चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट। 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 12th आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया है, साथ में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं NM नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों, NM नर्सिंग एक 2 ईयर्स नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि 2 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती हैं, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इस कोर्स के लिए एलिजिबल होती हैं एंड अप्लाई कर सकती हैं। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, यानी कि 12th पास होना चाहिए। 12th आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज की, तो आपकी जो एज है मिनिमम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि नर्सिंग कोर्स में एडमिशन कैसे लें, नर्सिंग कैसे कंप्लीट करें, नर्स कैसे बने। दोस्तों, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि हमें कौन सा कोर्स करना है। हमें JNM नर्सिंग करना है या फिर बीएससी नर्सिंग करना है या फिर NM नर्सिंग करना है। कोर्स डिसाइड करने के बाद आप कॉलेज डिसाइड कीजिए, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई कीजिए। उसकी फ़ीस के बारे में जानकारी लीजिए। एडमिशन प्रोसेस पता कीजिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकले तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, एडमिशन लीजिए और बीएससी नर्सिंग, JNM नर्सिंग या फिर NM नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आप नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।